अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे T20 मैच में बाबर आजम के आउट होने के मामले पर शुएब अख्तर भी बरस पड़े, जबकि कप्तान बाबर आजम का भी बयान सामने आ चुका है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल नसीम स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि क्रिकेट की हर नई अपडेट आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के तीसरे T20 मैच में कप्तान बाबर आजम बाउंड्री पर कैच होने की वजह से आउट करार दिए गए थे, लेकिन अंपायर का गलत फैसला पाकिस्तानी टीम को ले डूबा। दोस्तों बाबर आजम के आउट होने की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें वाजे देखा जा सकता है कैच करने वाले फील्डर का पाउंड बाउंड्री से टच हो चुका था और अंपायर्स ने बिना तस्दीक किए ही बाबर आजम को आउट करार दे दिया, जिस पर शुएब अख्तर का कहना है कि क्या अंपायर आंखें बंद करके खड़े हुए थे और टीवी अंपायर कहां पर था। दोस्तों आप लोगों के ख्याल से कैच करने वाले फील्डर का पाउंड बाउंड्री से टच हुआ है या नहीं, और क्या अंपायर ने गलत फैसला दिया है या ठीक, अपनी राय का इजाफ कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नसीम स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।